हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ आपको मिलती है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल पांड्या स्टोर के अपकमिंग ट्रैक के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अम्बा यहाँ पर अमरीश से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ ईशा और रोहन की शादी को लेकर के। अमरीश यहाँ पर प्रूफ कॉल देता है और वो कहता है कि नताशा को मैं चाहता हूँ कि वो धवल के साथ वापस आ जाए। मीनवाइल डॉली आती है और धवल के रूम में कंप्लेन उससे करती है और सुहानी हमेशा उसको फॉलो करती रहती है जहाँ जहाँ धवल होता है, और तभी वो ये सब कुछ देख करके अच्छे से देख लेगी। डॉली उसे कहती है कि अरे तुम अपना फोकस सिर्फ डिवोर्स की डेट्स पर शिफ्ट करो। बाद में वो जाती है सुहानी के पास और वो सबको पिक्चर्स भी दिखाती है। धवल नीचे आता है और कहता है कि मुझे आप सब से बात करनी है, सुहानी तुमसे भी। तभी अम्बा उसको चांस नहीं देती बात करने का सुहानी से, और वो ईशा को नीचे बुलाती है। ईशा नीचे आती है, सुहानी यहाँ पर ईशा और रोहन को एक दूसरे से मिलवाती है, और तभी बाद में धवल जैसे ही कुछ कहने की बात करने वाला होता है और जैसे ही बात करना चाहता है लेकिन दोबारा अम्बा एक्सक्यूज़ कर देती है। मीरबाई नताशा वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तभी अम्बा कहती है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और तुम और ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर नहीं ले सकती, जो कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तभी वो इंट्रोड्यूस कराती है सुहानी को नताशा से कि वो अब धवल की फियांसे होने वाली है। धवल कहता है कि मुझे नताशा तुमसे बात करनी है। तभी धवल नताशा को बाहर ले जाता है और अम्बा इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है। इधर दूसरी तरफ रोहन बात करता है ईशा के साथ और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और क्या तुम रेडी हो अपनी सारी चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सारी बैड हैबिट्स छोड़ दूंगा। इसके बाद में वो अपना लाइटर को आगे साइड में ले जाता है और उसको बाहर फेंकता है। मीरवर नताशा कहती है आदमी एक मुझसे मिलने आया था हॉस्पिटल में, उसके पास ये लाइटर था, मैं तुम्हें यही दिखाने आई थी। तभी सुहानी कहती है अरे ये तो रोहन का है। तभी यहाँ पर रोहन बाहर आता है और नताशा कहती है कि क्या तुम ट्राइबल गैंग में इन्वॉल्व हो। रोहन कहता है कि नहीं मेरा लाइटर नहीं है, लेकिन नताशा कहती है तुम सच छुपा रहे हो। अम्बा गुस्सा हो जाती है उसके साथ और कहती है तुम तमीज़ से बिहेव करो समझी, क्योंकि अब वो हमारा ईशा का पति होने वाला है। अम्बा उसे वॉर्न करती है और कहती है कि ईशा की शादी अगर टूटी तेरी वजह से तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नताशा कहती है कि आप लोग पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए तभी उसकी शादी कीजिएगा। सुहानी वहाँ आती है और कहती है तुम नताशा के बिहेवियर की वजह से मेरा जो रिलेशनशिप है धवल के साथ वो अफेक्ट होगा, इसीलिए धवल तुम कोशिश करो जल्द से जल्द तुम उसको अपनी लाइफ से हटाओ और मूव ऑन करो। धवल यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। नताशा का हार्ट ब्रेक हो जाता है पीसेस में और तभी वो कहती है कि तुम्हें तो कभी परवाह ही नहीं थी और अब मुझे भी परवाह नहीं है इस रिलेशनशिप की, लेकिन मैं रोहन को उसकी करने के लिए बहुत ज़्यादा मिसलीड्स पनिशमेंट दूंगी। अम्बा यहाँ पर एलिगेशन लगाती है नताशा के ऊपर, वो कहती है कि ईशा की शादी ये चीकू से करवाना चाहती है इसीलिए, लेकिन तू यहाँ से चली जा। नताशा जाती है वहाँ से और तभी रोहन ऐसे एक्ट करता है सबके सामने, अम्बा के सामने, उससे कहता है कि आप प्लीज़ नताशा से नफरत मत कीजिए, यानी कि वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। तभी वो ईशा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर धवल से पूछ लीजिए, अगर उन्हें मेरे खिलाफ़ कोई सबूत मिले तो वो मुझे बता दें। और तभी वो कहता है कि धवल तुम्हारा जो प्रूफ है रोहन होने का वो मुंबई से है। सुहानी कहती है कि हाँ लेकिन तुम मेरे भाई पर डाउट क्यों कर रहे हो। तभी धवल कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बहन ईशा के लिए कर रहा हूँ। तभी अम्बा सुहानी से कहती है कि हमने रिश्ते तोड़ दिए हैं नताशा के साथ उसके बिहेवियर की वजह से। मीनवाइल धवन यहाँ पर नताशा के लिए स्टैंड लेता है और वो कहता है कि लेकिन नताशा चाहे कैसे भी हो लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोलती और ना ही किसी का बुरा चाहती, और ये सुनकर के सुहानी और अम्बा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं।